고려일전. अर्ज करता हूं कि ये वो जुबान है जो महलों से चली, लश्करों में पली और वहां से चलते हुए बादशाहों के दरबार की रौनक बनी और वहां से चलकर जब ये जुबान लोगों के मसाइल लेकर अवाम के बीच आई तो शायर ये कहने पर मजबूर हुआ कि सियासी पेड़ हैं, बरसों से फल नहीं आए। सियासी पेड़ हैं, बरसों से फल नहीं आए। इधर तो मसले आए हैं, हल नहीं आए। इधर तो मसले आए हैं, हल नहीं आए। उसे भी शौक मुसलसल फरेब देने का, कभी जमीन पर अपनी भी शल नहीं आए। कभी जमीन पर अपनी भी शल नहीं आए। आइए, मैं उस उर्दू के मोतबर शायर को आपके हुजूर में पेश करना चाहता हूँ जो आज के इस मुशायरे की बहुत ही ख़ास शख्सियत है, आपके दायर का शायर है। ऐसा शायर है, अगर आपने हौसला दिया, ये जितने बड़े बड़े नाम आप हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में सुनते हैं वो भी कभी इसी तरीके से मैदान में आए थे कि आपने उनका हौसला दिया तो वो बड़े हो गए। इस शायर को भी दुआ दीजिए कि ये बड़ा हो जाए और आपके शहर का, आपके इस इलाके का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। मैं इमरान यूसुफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से बादशाह विलायत हज़रत नाहर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह में अपनी अकीदत का नजराना पेश करें और वो शायरी सुनाएं कि जो लोगों के दिलों में घर कर जाए। आइए, पेश करता हूं इमरान यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई, मैं अपनी बात उस जगह से शुरू करना चाहता हूं जहां पर सबके कान लगे रहते हैं। सुबह सुबह में जिन लोगों की नींदें अजान की वजह से नहीं खुलती हैं, बाद में एक आवाज़ आती है जो गली मोहल्ले में चारों तरफ फिरती होती है, जिसकी वजह से लोगों की नींदें खुलती हैं। क्या मेरे चार मिसरे वहाँ से। हिंदी में एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्ज है, अच्छे दिनों का अब तो नज़ारा कर लिया हमने। अच्छे दिनों का अब तो नज़ारा कर लिया हमने। अच्छे दिनों का अब तो नज़ारा कर लिया हमने। नोटों बगैर मित्रों गुजारा कर लिया हमने। अच्छे दिनों का अब तो नज़ारा कर लिया हमने। नोटों बगैर मित्रों गुजारा कर लिया हमने। अब के चुनाव में अगर मौका मिला हमें, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। अच्छे दिनों का अब तो नजारा कर लिया हमने। नोटों बगैर मित्रों गुजारा कर लिया हमने। अब के चुनाव में अगर मौका मिला हमें, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। अगली गजल का मतला आप लोग जरा जी लगा के सुनो यार, भाई खजराने वाला आपको सुना रहा है यार। हाँ, दिल के काले काले लोग
दिल के काले काले लोग, दिल्ली के मत वाले लोग, दिल के काले काले लोग, दिल्ली के मत वाले लोग, चरखे तक भी आ पहुंचे, अरे चरखे तक भी आ पहुंचे, चाय बनाने वाले लोग, दिल के काले काले लोग, दिल्ली के मत वाले लोग, चरखे तक भी आ पहुंचे, चाय बनाने वाले लोग, चाय बनाने वाले लोग, लकड़ी से अब खोल रहे हैं, लकड़ी से अब खोल रहे हैं चाबी वाले ताले लोग, लकड़ी से अब खोल रहे हैं चाबी वाले ताले लोग, चुटकी में मर जाते हैं, चुटकी में मर जाते हैं अच्छे बेटे ठाले लोग, चुटकी में मर जाते हैं अच्छे बेटे ठाले लोग, चुटकी में मर जाते हैं अच्छे बेटे ठाले लोग, आज जमीन पर रेंग रहे हैं, आज जमीन पर रेंग रहे हैं ऊंचा उड़ने वाले लोग, ऊंचा उड़ने वाले लोग। अगली ये चीज देखें कि जहर अमृत बना के रखा है, जहर अमृत बना के रखा है, जहर अमृत बना के रखा है, झूठ को सच बता के रखा है, झूठ को सच बता के रखा है, ये 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 परेशानियां समंदर हैं, ये परेशानियां समंदर हैं, तूने कतरा बना के रखा है, ये परेशानियां समंदर हैं, तूने कतरा बना के रखा है, तूने कतरा बना के रखा है, एक दिन होंगे फिर वही गालिब, एक दिन होंगे फिर वही गालिब जिनको खतरा बता के रखा है, एक दिन होंगे फिर वही गालिब जिनको खतरा बता के रखा है, जिनको खतरा बता के रखा है। और शेर मुलायजा फरमाए, हर 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 एक फर्द नफर की समात मैं चाहता हूँ और उसके ऊपर आपकी वाहवा और दाद और तहसीन भी चाहता हूँ। शेर मुलायजा फरमाए, वो है मरकज हमारे सजदों का, वो है मरकज हमारे सजदों का जिसको ढांचा बता के रखा है, वो है मरकज हमारे सजदों का जिसको ढांचा बता के रखा है, झूठ को सच बता के रखा है, अंधेरे अंधेरे चीख के ये कहते हैं, अंधेरे चीख के ये कहते हैं तुमने सूरज छुपा के रखा है, अंधेरे चीख के ये कहते हैं तुमने सूरज छुपा के रखा है, मौत के बाद जिंदगी तुझको, मौत के बाद जिंदगी तुझको हमने ईमा बना के रखा है, मौत के बाद जिंदगी तुझको हमने ईमा बना के रखा है, प्यास क्या भूख का भी जामिन है, प्यास क्या भूख का भी जामिन है उसने जमजम बहा के रखा है, प्यास क्या भूख का भी जामिन है उसने जमजम बहा के रखा है। एक जी भाई ने जी तरन्नुम से भाई ने कलाम की फरमाइश की है, मैं वहां से शुरू करता हूं और उसके बाद एक तरन्नुम से गजल और फिर जहमत तमाम। जी मैं इस गजल की तमहीद के अंदर थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं,
जिन लोगों ने खजराने की पुरानी तस्वीर